दोस्तों आज हम आ चुके हैं इंदौर के सराफा बाजार में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया टिक्की चाट बनाई जाती है। यहाँ की टिक्की चाट इतनी फेमस है कि लोगों की खाने के लिए लाइन लगती है, और यहाँ की दुकान शाम को 9 बजे चालू होती है। उसके पहले यहाँ पे जावेरी बाजार जैसा पूरा शॉप चालू होता है। तो यहाँ पे देखिए भैया ने शुरुआत कर दी है बनाने की। इसके ऊपर यहाँ पे घी डाले जा रहे हैं, घी के अंदर पूरे बनाए जाते हैं। यहाँ पे भैया ने घी पूरा डाल दिया है तवे पर। अभी ये थोड़ी देर पूरा मेल्ट होगा, जैसे जैसे तवा गर्म होती जाएगा वैसे वैसे घी मेल्ट होती जाएगी। अब देखिए ये छोले होते हैं, छोले की भाजी होती है जो चाट के अंदर डाल के दी जाती है। बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बनाई जाती है यहाँ पे। ये देखिए ये इनकी आलू टिक्की आ गई, ये घर पे से बना के लेके आते हैं, यहाँ पे सिर्फ तवे पे गरम करते हैं। ये पूरे तवे के अंदर तेल के अंदर पूरा डीप फ्राई किया जाता है। आप देख सकते हैं कितने क्वांटिटी में बना रहे यहाँ पे। इसको अच्छे से प्रेस कर करके कैसे दबा दबा के बनाना पड़ता है ताकि पूरा अच्छे तरीके से तेल के अंदर ये पक जाए। देखिए आलू टिक्की को फोड़ भी दिया है ताकि वो बीच में से कच्चा ना रहे, पूरा हर जगह पूरा अच्छे से पक जाए। इनकी बनाने की स्टाइल पूरी लखनऊ में जैसे बनाई जाती है आलू टिक्की, वैसे ही बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी आलू टिक्की रेडी हो चुकी है, अभी इसे बस प्लेट में सर्विंग करेंगे चटनी और छोले के साथ में। ये देखिए इन्होंने प्लेट में डाल दिया है, इसके अंदर अभी छोले की भाजी डाली जा रही है। पनीर की पनीर भी मिक्स रहता है उसके अंदर। ये इनकी चटनी है, ये रेडी हो गया हमारा टिक्की चाट। यहाँ की टिक्की चाट बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी है लोगों की, दुकान चालू नहीं होती उसके पहले यहाँ पे कस्टमर आके खड़े हो जाते हैं।